पब्लिक टीवी आपकी आवाज। योग हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। भारत में योग की शुरुआत सदियों पहले हुई थी। कोविड काल में लोग योग के प्रति और ज्यादा जागरूक हुए। भारत के साथ आज पूरी दुनिया योग की ताकत को मानती है। यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा तो बहुमत के साथ उस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया और 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसके बाद हर साल 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। इस साल योग दिवस की थीम मानवता के लिए योग रखी गई। कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए इस थीम को चुना गया। आज पूरे विश्व में धूमधाम के साथ योग दिवस मनाया जा रहा है। सबकी टाइमिंग एक है और परिवार में सब बड़े। हाँ, सबकी टाइमिंग एक है, सबको मैनेज करना। धीरे धीरे आराम से, धीरे धीरे पहुंच सकते हो ऊपर। उल्टा घुमाइए, क्या बना फासला दोनों हाथों पर लाइए, शरीर का भाग करके पंजों पर लाइए और पूरे शरीर में खिंचाव लाइए। ताड़ासन मैं प्रीति कश्यप, महिला मोर्चा वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाजपा और महिला पतंजलि योग समिति की ओर से योग शिक्षिका, सर्वप्रथम मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देती हूँ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वस्थ भारत का सपना पूरा करने का संदेश देती हूँ। और सब अब योग करें और योग को अपनाएं और योग के द्वारा अपने आप को स्वस्थ रखें और मस्त रहें, तो बस यही इसी कामना के साथ। नमस्ते। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।